अस्सलाम वालेकुम क्लास, हमारा वेव नेचर ऑफ मैटर के अंदर ये छठा क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे बेसिक पास्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है वो दो साइंटिस्ट थे, हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर। इन्होंने मेजर इनका मेजर रोल है क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट के अंदर। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स के डिफरेंट जो हैं वो पास्टुलेट्स हैं कि जिनके थ्रू जो है हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर डिफरेंट क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो वेव फंक्शन क्या है ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसी तरह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को भी डिफाइन किया था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपके पास वेव फंक्शन बेसिकली एक किसी भी स्टेट ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास पार्टिकल जब भी मूव कर रहा हो तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, तो उस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग वेव फंक्शन लिखते हैं। और हमने वेव फंक्शन को डिनोट किया था साई ऑफ एक्स वाई जी कॉमा टी। तो ये इसके अंदर बेसिकली जो है वो स्पेस पार्ट भी थे और टाइम पार्ट भी था वेव फंक्शन का, यानी वेव फंक्शन इन चार कोऑर्डिनेट्स के अंदर, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, तीन तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं और एक टाइम कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो इसके थ्रू हम लोग जो है वो कम्प्लीटली किसी भी स्टेट को, किसी भी पार्टिकल को जो कि मोशन के अंदर है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेम हमने फिर पढ़ा कि अगर हम इसी वेव फंक्शन का कम्प्लेक्स कंजुगेट लें और इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और नेट प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम लोगों ने उसको वॉल्यूम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर ली थी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बता भी देती हूँ कि आपके पास कैसे आया था। प्रोबेबिलिटी को हम लोगों ने नेट प्रोबेबिलिटी को इस तरह फाइंड किया था कि इंटीग्रेशन ले ली थी आर कॉमा टी इंटू डी वी, और ये किसकी इक्वल था साय स्टैरिक। यहाँ पे मैं इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखती, जस्ट साय स्टैरिक इंटू साय और डी वी। इंटेग्रल हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले लिया था। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी आ गई थी, ये नेट प्रोबेबिलिटी थी। तो ये चीज़ हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं थारोली, तो इसको मैं दोबारा अब एक्सप्लेन नहीं करती। हमारे पास अब नेक्स्ट जो है वो पास्टुलेट आ जाता है ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो ऑब्जर्वेबल्स क्या हैं और ऑपरेटर्स क्या हैं? तो एक ऑपरेटर तो हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर जो है वो डिस्कस भी किया था, जो कि था हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो आज हम जो है वो डिफरेंट ऑब्जर्वेबल्स और डिफरेंट ऑपरेटर्स देखेंगे कि क्या क्या होते हैं हमारे पास। अब अगर हम ऑब्जर्वेबल्स को देखें तो बेसिकली ऑब्जर्वेबल्स क्या हैं हमारे पास? क्वांटम जैसे क्लासिकल के अंदर हम लोग डिफरेंट क्वान्टिटीज़ को मेयर करते हैं, वोल्टेज मेयर करते हैं, करंट करते हैं, उनको मेयर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब हमारे पास जो है वो क्वांटम के अंदर वो ऑब्जर्वेबल्स हैं और ऑपरेटर। अब बेसिकली होता क्या है, जैसे फर्स्ट मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मैंने लीनियर मोमेंटम जो है वो मेयर करना है। तो अब हमारे पास लीनियर मोमेंटम को मेयर करने के लिए एक ऑपरेटर होगा जिसको डिनोट करेंगे ए हैट से। तो अब क्या होगा कि हमारे पास जब भी हमने मोमेंटम, फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि हमारे पास ये समझ लें कि ए हमारे पास एक ऐसी क्वान्टिटी है जिसको हमने मेयर करना है, मेयर्ड क्वांटिटी, टू बी मेयर्ड क्वांटिटी, यूँ लिख लें टू बी मेयर्ड क्वांटिटी। तो हमारे पास अगर ए है ऐसी क्वांटिटी जिसको मेयर करना है, इस ये लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में भी हो सकती है, एनर्जी या मास वगैरह या एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में भी हो सकती है। तो इसको अगर हमने मेयर करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर एग्जिस्ट करेगा जिसकी मदद से जो है वो हम उस क्वान्टिटी को मेयर करेंगे। तो अब ये जो हम ये सारी चीज़ लिखते हैं, तो अगर मैं इस पूरी चीज़ को कैसे लिखूँगी कि अगर मैंने ए को मेयर करना है तो अब मेयरमेंट ऑफ ए कैसे होगी कि मैं किसी ऑपरेटर ए को उस किसी स्टेट के ऊपर अप्लाई कर दूंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं जो है वो स्टेट डिनोट कर फाइ से डिनोट कर देती हूँ। तो मेरे पास उसके अब ये ऑपरेटर है, ये स्टेट पे अप्लाई होगा, एक आइगन वैल्यू देगा जिसको ए स्मॉल ए से डिनोट किया है और स्टेट वापस आ जाएगी। तो जब भी आपके पास कोई ऑपरेटर किसी स्टेट के ऊपर अप्लाई हो, स्टेट वापस आ जाए और साथ में एक नंबर, तो वो जो नंबर होता है उसको आइगन वैल्यू बोलते हैं। और जो आपके पास वेव फंक्शन यानी जो स्टेट होती है, वेव फंक्शन बेसिकली स्टेट मैं बोल रही हूँ, वेव फंक्शन या स्टेट एक ही बात है क्योंकि वेव फंक्शन बेसिकली स्टेट को डिस्क्राइब करता है। तो आगे आप शायद क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ें तो उसके अंदर जो एक्सप्लेन हुआ है कि कैसे वेव फंक्शन जो है वो स्टेट कहलाता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास ये है ए, ये आइगन वैल्यू है, और ये वेव फंक्शन फाई है, ये आइगन स्टेट है। तो इस पूरी इक्वेशन को बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो ये चीज़,
तो यहाँ पे जो फाइव फंक्शन है इसको हम जो है वो आइगन फंक्शन भी बोलते हैं या आइगन स्टेट बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेबल्स हैं जिनको हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर करते हैं। एक आपके पास है मोमेंटम और दूसरा है इनर्जी। तो सबसे पहले मैं जो है वो मोमेंटम के ऑपरेटर के हिसाब से आपको बताती हूँ। मोमेंटम बेसिकली, मोमेंटम क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वेबल, जिसको हमने मेजर करना है, और ऑपरेटर वो चीज़ होगी जो कि उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ होगी। तो हमारे पास जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? मोमेंटम ऑपरेटर इज़ डिफाइंड एज, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, ऑपरेटर को हम कैसे डिनोट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। जैसे पी मोमेंटम, मोमेंटम ऑपरेटर के लिए अगर हम पी यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर हैट लगाएंगे तो वो मोमेंटम ऑपरेटर को शो करेगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है ये मैंने आपको अलग से बताया था कि कैसे मोमेंटम ऑपरेटर की ये वैल्यू जो है वो हैमिल्टोनियन के अंदर पुट हुई थी। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से लिख देती हूँ कि इसके फार्मूला होता है माइनस आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। तो ये चीज़ अब मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू है। अब इसको हम किसी भी स्टेट के ऊपर अप्लाई करके आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेट यूज़ करेंगे, स्टेट यहाँ पे मैं डिनोट कर देती हूँ फाई इक्वल्स टू ए ई की पावर आयोटा के एक्स। ये स्टेट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस ऑपरेटर को, मोमेंटम ऑपरेटर को स्टेट के ऊपर अप्लाई करेंगे यानी पी फाई, और यहाँ से देखेंगे कि आपके पास क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पी की वैल्यू पुट कर दी माइनस आयोटा एच कट पार्शल बाय पार्शल एक्स, और साथ में स्टेट ए ई की पावर आयोटा के एक्स, ये चीज़ आ गई। अब माइनस आयोटा एच कट एज इट इज़ ए ऑपरेट, ए जो हमारे पास है यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो सिर्फ डेरिवेटिव जो आएगा वो सिर्फ किसका आएगा? ई की पावर आयोटा के एक्स का। और वो डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर आयोटा के एक्स एज इट इज़, और जो आपके पास पावर है उसका दोबारा डेरिवेटिव, तो वो आएगा आयोटा के विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये चीज़ आगे मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। तो अब देखिए माइनस आयोटा, यहाँ पे आयोटा आयोटा स्क्वायर एच कट के ए ई की पावर आयोटा के एक्स। अब देखिए ए ई की पावर आयोटा के एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ से मैं इसको इक्वेशन वन का नाम दे देती हूँ। तो फ्रॉम वन आप क्या बता सकते हैं कि आपके पास जो ये पूरी है ए ई की पावर आयोटा की एक्स, ये है फाइव, तो आपके पास बन गया। अच्छा आयोटा स्क्वायर देखिए क्या होता है, माइनस वन वो माइनस हो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा एच कट के, और इसकी जगह लिख देंगे फाइव। तो यहाँ पे देखें पी फाइव, मोमेंटम को फाइव स्टेट के ऊपर अप्लाई किया तो हमारे पास जो स्टेट वापस आ गई और साथ में आपके पास एच कट के आ गया। तो अभी बताया था आइगन वैल्यू इक्वेशन से कि फाइव के साथ जो स्टेट वापस आ जाती है उसके साथ जो नंबर होता है उसे बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो ये जो आपके पास एच कट के आया इसको बोलेंगे कि ये आपके पास क्या है, आइगन वैल्यू। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आई कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर अगर हम मैस या स्पीड या टाइम वगैरह मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, मीटर राड जो है वो लेंथ के लिए यूज़ होता है, इसी तरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम जो है वो स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मैस मेजर करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिसकी मदद से वो क्वांटिटी मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर यूज़ किया जिससे आपको वो क्वांटिटी मिल, जिससे आपको पास आइगन वैल्यू आ गई और जिससे आप जो है वो डिफरेंट क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। तो सेम आपके पास जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स के अंदर पहला था मोमेंटम ऑपरेटर, इसको मैं नंबर वन कह देती हूँ क्योंकि और तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, हम यहाँ पे बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास नंबर टू पे आ जाता है एनर्जी ऑपरेटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी ऑपरेटर यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी ऑपरेटर बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर जो है वो यूज़ होता है। यहाँ पे हम लोग टी से डिनोट करते हैं, टी हैट से काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को, और इसकी वैल्यू होती है माइनस एच कट स्क्वायर बाय टू एम पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है। सेम आपने क्या करना है इसका थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपने सेम जैसे यहाँ पे किया था स्टेट फाइव इक्वेशन वन वाली लेके मोमेंटम ऑपरेटर को स्टेट फाइव के ऊपर अप्लाई किया था, सेम आपने यहाँ पे भी यही करना है कि टी ऑपरेटर को स्टेट फाइव पे अप्लाई करना है और फिर आपने वहाँ से इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका होम टास्क है। यहाँ आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने ये वेव फंक्शन ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स क्यों यूज़ किया है। तो बेसिकली आपने पार्टिकल को, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर भी आपने स्टडी किया है कि वेव फंक्शन हमने लिखा था वहाँ पे साई की फॉर्म में जो कि था साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। तो बेसिकली ये जो वेव फंक्शन है ना ये असल में यहाँ से ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स से ही आता है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ पे तो चलें बी कांस्टेंट के तौर पे बी भी कांस्टेंट जो है वो बीच में इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पे हम एक एक कांस्टेंट की मदद से यानी एक कांस्टेंट यूज़ करके यही वेव फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेसिकली यही जहन में रखें कि आपके पास ये वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो यूज़ हो रहा है
यहाँ पे वो बेसिकली पार्टिकल को जो आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर सॉल्व किया था तो यही वेव फंक्शन था जो कि हमने साइन और कॉस की फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ पे अगर आप ओपन भी करेंगे ना ए की ए ई टू द पावर आयोटा की एक्स, तो आपको पता है कि ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बेसिकली ये बनेगा ए कॉस ऑफ के एक्स प्लस ए आयोटा साइन ऑफ के एक्स। तो देख लें थोड़ी सिमिलर ही फॉर्म है, तो फ़र्क ये है कि ये जो वे फंक्शन बेसिकली यूज़ करेंगे वो फ्री पार्टिकल के लिए जो कि जिस किसी पोटेंशियल के अंडर ना हो। नेक्स्ट आपके पास पास्टुलेट आ जाता है स्टेट फंक्शन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो बेसिकली स्टेट फंक्शन को हम तो शुरू से डिस्क्राइब करते आए हैं, वेव फंक्शन जो किसी भी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है उसको हम फंक्शन जिस फंक्शन से डिस्क्राइब करते हैं वही है आपके पास स्टेट फंक्शन। तो अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को आप एक तरीके से मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू के तौर पर ले सकते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए ऐसा ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्वेबल अब आपको समझ आ गई होगी कि ऑब्जर्वेबल बेसिकली ऐसी क्वान्टिटी है जिसको हमने मेजर करना है। तो ऑब्जर्वेबल ए है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ए ऑपरेटर है क्योंकि इसी की मदद से आप ऑब्जर्वेबल को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैसे करेंगे, आपने क्या करना है उस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस तरह निकालनी है ए के, आप एक तो आपने क्या करना है ये जो ऑब्जर्वेबल है इसके साइड पे आपने एंगल आइडेंटिटीज लगानी है, ये शो करेगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू को। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वेव फंक्शन के दरमियान सैंडविच कर देते हैं। यानी साइज टायरिक पहले आप लिखते थे ना प्रोबेबिलिटी साइज टायरिक और साई की टर्म में, तो आपने साइज टायरिक इंटू साई तो लिखना है, बीच में ए ऑपरेटर जो है वो सैंडविच कर देना है और इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है विद रिस्पेक्ट टू, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वन डायमेंशनल क्वान्टिटी है वेव फंक्शन है तो आप उसको डी एक्स के विद रिस्पेक्ट जो है वो इंटीग्रेट कर लेंगे। और वैसे तो डिवाइड में ये भी आता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टायरिक इंटू साई डी एक्स। और लेकिन ज़्यादातर हम जो है वो वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज लेते हैं, हमारे पास अगर नॉर्मलाइज ना हो तो उसे बना लिया जाता है। तो इन केस ऑफ नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन डब्ल्यू एफ से डिनोट करती हूँ। तो तब आपके पास नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टायरिक इंटू साई डी एक्स का आंसर आ जाए वन। तो ये अगर वन हो जाए तो आपके पास ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको फॉर एग्जांपल मैं जो है वो ए का नाम देती हूँ, इक्वेशन ए, इक्वेशन ए ना बोलें कंफ्यूज ना हो जाएं आप, इक्वेशन बी का नाम दे देती हूँ। तो इक्वेशन बी क्या इम्प्लाई करेगी कि आपके पास सिर्फ एक्सपेक्टेशन वैल्यू या जिसको आप मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं उसका आंसर डिनोमिनेटर वन हो गया। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो आपके पास जस्ट बच जाएगा साई स्टायरिक ए साई डी एक्स, तो ये आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाती है। और ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास पास्टुलेट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ स्टेट फंक्शन। तो बेसिकली आपने स्टेट फंक्शन को टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिस्क्राइब किया था। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर बेसिकली ये जो इक्वेशन थी इसका सोल्यूशन जो है वो साय होता है। और ये इक्वेशन किस फॉर्म में थी, ये आपके पास ऑपरेटर था हैमिल्टोनियन, ये पूरा तो माइनस एच कट स्केयर बाई टू एम डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर प्लस वी नॉट, ये आपके पास पूरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था, ये स्टेट साई एज इट इज़। और यहाँ पे मैंने ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास कोऑर्डिनेट्स कुछ भी आ सकते हैं, वन डायमेंशनल है तो सिर्फ एक्स और टी की टर्म में आ सकते हैं, और अगर थ्री डायमेंशनल है तो एक्स वाई जी भी आएंगे। तो एच साई इज इक्वल टू ई साई। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, देखें फिर वही आइगन वैल्यू इक्वेशन बन गई कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को साई के ऊपर अप्लाई किया, साई एज इट इज़ वेव फंक्शन जो है वो हमें वापस मिल गया और साथ में एनर्जी आ गई। तो इसका मतलब है आपके पास जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है इसकी आइगन वैल्यू है एनर्जी ई। तो ये ई आपके पास आइगन एनर्जी आइगन वैल्यू होगी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की। और अब हम जो है वो इसी ये चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि हैमिल्टोनियन आपके पास था क्या। ये बेसिकली आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर टी प्लस पोटेंशियल जो है इसको अगर फॉर एग्जांपल वन डायमेंशनल है तो मैं वी एफ एक्स से डिनोट कर देती हूँ, इन दोनों के टर्म्स में था। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो वैसे तो हमने उस दिन मैंने आपको रफ पे बताया था कि कैसे मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो उसकी वैल्यू की मोमेंटम ऑपरेटर की टर्म में हमने निकाला था। तो यहाँ से वैसे कंपैरिजन करें तो आपके पास पोटेंशियल वी नॉट टू एज इट इज़, यहाँ पे टी ऑपरेटर की वैल्यू क्या आ जाती है माइनस एच कट स्केयर बाय टू एम पार्शल स्केयर बाय पार्शल एक्स स्केयर। तो ये आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आ जाता है। और यहाँ से आपके पास जो है वो थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब कर दिया कि कैसे वेव फंक्शन को लिखा जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन की फॉर्म में ये साई होता है और यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्क्राइब करती।
और बेसिकली यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है डेवलपमेंट ऑफ स्टेट फंक्शन, तो यहाँ से ये डेवलपमेंट ऑफ स्टेट फंक्शन का मतलब है कि कैसे वेव फंक्शन टाइम के साथ इवॉल्व करता है, यानी टाइम टू टाइम कैसे वेव फंक्शन वेरी करता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका वो आगे जाके वो स्टेट फंक्शन को कैसे वो ऑपरेटर की टर्म में उसकी टाइम के साथ इवॉल्व होने को देखते हैं, तो वो आपका टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे हम जस्ट ये स्टडी करेंगे कि वेव फंक्शन किस तरह लिखेंगे और हैमिल्टोनियन की फॉर्म में कैसे श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी। तो बेसिकली यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर के पास्टुलेट्स देख लिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्वेश्चन 8 के अंदर, बिहेवियर ऑफ फ्री पार्टिकल को हमने डिस्क्राइब करना है यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो फ्री पार्टिकल क्या है, अभी बताया था कि फ्री पार्टिकल ऐसा पार्टिकल है कि जो किसी भी एक्सटर्नल पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस के अंदर ना हो, यानी इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, तो ऐसा पार्टिकल जो है वो फ्री पार्टिकल कहलाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फोर्स फ्री, यानी उसके ऊपर कोई फोर्स ना लग रही हो, फोर्स नहीं लग रही होगी तो उसके ऊपर कोई पोटेंशियल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हम जो है वो फ्री पार्टिकल को एक्सप्लेन करते हैं किसके थ्रू, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू। तो अब पोटेंशियल तो वैसे भी वेव फोर्स जीरो, तो पोटेंशियल भी जीरो, तो यहाँ पे मैं वी नॉट को जीरो पहले ही लिख देती हूँ ताकि जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर लिखें तो आप कन्फ्यूज ना हो। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या बनेगी, ये इस रफ पे समझ लें बस। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी, अभी डिस्कस भी किए हैं, माइनस एच कट स्केयर बाय टू एम। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जब हमारे पास एक ही डायमेंशन में चीज़ डिफाइन हो, वेव फंक्शन या कुछ भी वेव फंक्शन आपके पास, तो हम यहाँ पे सिर्फ डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव तब यूज़ होते हैं जब आपके पास एक फंक्शन की डिपेंडेंस जो है वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पे हो। तो यहाँ पे हम मैं जस्ट यूज़ करूँगी टोटल डेरिवेटिव इक्वल्स टू ई साई, ये हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमने बता दिया कि फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल जीरो है, तो ये चीज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं इक्वेशन वन के अंदर। तो आप यहाँ पे बताएंगे साथ में कि फ्री फॉर फ्री पार्टिकल पोटेंशियल इज़ ज़ीरो, तो इस चीज़ को यूजिंग इन वन इक्वेशन वन के अंदर यूज़ करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरो पुट कर दिया पोटेंशियल को, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर लेते हैं किस तरह, कि हमारे पास यहाँ पे माइनस एच कट स्केयर बाई टू एम डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर ऑफ साइज इक्वल्स टू ई साई तो आ ही चुका है। यहाँ से ये वाली वैल्यू उधर ले जाते हैं, डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर को अलग कर लेते हैं, तो आपके पास बनेगा डी स्केयर साई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस टू एम ई ओवर एच कट स्केयर इंटू साई। तो ये सारी क्वान्टिटी इधर ले गए, और इसी को फिर हम रीअरेंज करके नीचे वाली क्वेश्चन के अंदर कैसे लिखते हैं, डी स्केयर साई बाई डी एक्स स्केयर, और ये वाली वैल्यू उधर ले आते हैं तो प्लस में आ जाएगी टू एम ई ओवर एच कट स्केयर साई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ गई, ये सारा काम पिछले वाला ही चल रहा है। यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने क्या किया था, ये जो क्वांटिटी है टू एम ई ओवर एच कट स्केयर, इसको हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हुए के स्केयर के इक्वल पुट कर दिया था। तो अब इसको के स्केयर के इक्वल पुट करते हैं, तो आपके पास क्या आता है, के स्केयर पुटिंग के स्केयर इक्वल्स टू टू एम ई ओवर एच कट स्केयर इन इक्वेशन टू। तो आपके पास बन गया डी स्केयर साई बाई डी एक्स स्केयर प्लस के स्केयर साई इक्वल्स टू ज़ीरो, ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन जब बन गई है, अब इस चीज़ का जो सोल्यूशन है वो किस फॉर्म में हम लिखेंगे। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका सोल्यूशन लिखा जाता है साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि जो हमने वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर पार्टिकल को डिस्क्राइब किया था, सेम यही इक्वेशन बनी थी, उसको हमने लिखा था ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स। तो अब दोनों चीज़ें, तो अब आप कहेंगे कि ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट नहीं है, बल्कि इसको जब आप ओपन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया भी कि इसको आयोटा के एक्स जो है वो ई की पावर आयोटा थीटा किसके अंदर ओपन होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सेम यहाँ पे ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स जो है वो ओपन होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये प्लस में और ये माइनस में। तो अब इन जब कास कास वाली टर्म्स जो है इन दोनों इक्वेशंस की मिला लेते हैं, साइन साइन वाली और जो दोनों के कांस्टेंट होते हैं उनको मिला के एक नया कांस्टेंट का नाम दे दिया जाता है, तो बेसिकली वही फॉर्म बन जाती है जो आपके पास कास वाली फॉर्म थी। तो यहाँ पे हम ये फॉर्म यूज़ करेंगे, इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री का। तो इसके अंदर अब हम अपनी आसानी के लिए, ताकि वेव फंक्शन जो है वो ईजिली हम सॉल्व कर सकें,
हम क्या करते हैं, बी को सेट कर देते हैं, सेट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी यहाँ पे बी को हम सेट कर देते हैं ज़ीरो, तो आपके पास इक्वेशन थ्री क्या बनेगी, साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स। अब हमारे पास वेव फंक्शन ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ऐसे करना है कि इसके साथ एक, क्योंकि ये पूरा टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट है और हम जो है वो टाइम के लिहाज से पार्टिकल को, फ्री पार्टिकल को डिस्क्राइब करते हैं, तो हमें यहाँ पे एक टाइम डिपेंडेंट पार्ट जो है वो शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम टाइम डिपेंडेंट पार्ट जो शामिल करेंगे वो किस फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम डिपेंडेंट पार्ट होगा वो हम e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस आयोटा ओमेगा टी की फॉर्म में जो है वो लिखते हैं, जो कि क्या करता है, टाइम डिपेंडेंस वेव फंक्शन की शो करता है। तो हम इसके साथ शामिल जब कर लेंगे तो हमारे पास वेव फंक्शन जो है वो टाइम, उसके अंदर दोनों फंक्शन आ जाएंगे, यानी वेव फंक्शन टाइम का भी फंक्शन होगा, पोजिशन का भी। और कैसे आया, e की पावर आयोटा के एक्स, और साथ शामिल कर दिया e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। तो एक किस्म से, एक हिसाब से आप यूँ सोच सकते हैं कि आपके पास जो वेव साई ऑफ एक्स कॉमा टी है वो इक्वल है यहाँ पे साई ऑफ एक्स, इसको थोड़ा कैपिटल में शो कर देंगे ताकि आपको पता चले कि टोटल वेव फंक्शन लिख रहे हैं, और इसको थोड़ा स्मॉल में, तो साई ऑफ एक्स की इक्वल है ये स्मॉल में और ये कैपिटल में। और साथ में आपके पास टाइम डिपेंडेंट जो पार्ट है वो है e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। तो यूँ आपने जहन में रखना है, क्योंकि हम जो आगे बैचलर क्लासेस हैं उनके लिए यही करते हैं कि वेव फंक्शन जो है वो उसको दो पार्ट्स में लिखते हैं, एक पोजीशन पार्ट और एक टाइम डिपेंडेंट पार्ट। तो बेसिकली आपके पास ये वाला पार्ट जो था वो सिर्फ पोजीशन वाला पार्ट था, और टाइम डिपेंडेंट पार्ट हमने यहाँ पे साथ शामिल किया, तब आपके पास जो है वो वेव फंक्शन टोटल बन गया, एक्स पे भी डिपेंडेंट और टाइम पे भी डिपेंडेंट। तो इसको जब मैं कंबाइन करूँ तो मेरे पास बनेगा ए ई टू द पावर आयोटा कॉमन के एक्स इन बेस सेम पावर एड तो माइनस ओमेगा टी। तो ये आपके पास वेव फंक्शन बन जाएगा, टोटल वेव फंक्शन, इसको आप कैपिटल साइज से डिनोट करें, ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब ये क्या शो करेगा, किसी ऐसी वेव को जो कि ट्रैवल कर रही है, ट्रैवलिंग वेव जो है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव के लिए यूँ बोल देती हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो सेम, अब यहाँ पे मैंने सेट किया था ना बी को इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम ए को सेट ज़ीरो करते, यानी यहाँ पे ए ज़ीरो होता तो बी ये वाली फॉर्म सिर्फ रह जाती, इसके साथ हम टाइम डिपेंडेंट पार्ट शामिल करते तो जो वेव आती वो नेगेटिव ट्रैवलिंग वेव को शो करती टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आपने अब ऐसे करना है कि इन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए मैंने बना दिया, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए आपने ए को ज़ीरो पुट करना है इक्वेशन थ्री के अंदर, यानी सेट कर देना है आपने ए इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन थ्री, और फिर आपने उसके साथ टाइम डिपेंडेंट पार्ट ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी फॉर्म मुझे बना के देनी है, बाकी पार्ट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।